नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल NDS जॉब एंट्री में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो यूपी पुलिस की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बनाई है हमने, आपके लिए ऐसी कट ऑफ लेके आए हैं, आप भी क्या याद रखो किसी ने कट ऑफ दी थी। दोस्तों ये इतनी सटीक खबर हमने इसलिए बनाई है, हम आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करा देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सबसे पहले वो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबर लेके आते हैं सबसे हटके। अब ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी कट ऑफ की, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बताते हैं पूरी कट ऑफ के बारे में, सारा प्रोसेस बनाया है। देखिए अब ये स्टार्ट होता है, सबसे पहले वैकेंसी एनालिसिस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, हमने वैकेंसी एनालिसिस का एक ये पेज बनाया है। इसमें क्या है, 2018-2019 की जो वैकेंसी की एनालिसिस हमने बनाई है, मतलब 2018 22 लाख आवेदन किए गए थे और वैकेंसी यहाँ पे 41,520 और 2019 में 18 लाख तो आवेदन किए गए हैं और वैकेंसी 4,500। यहाँ से आपको साफ दिखता है जब इसकी इतनी वैकेंसी थी उसको 62,000 इसने कैंडिडेट बुला लिए थे, ठीक है, और इसमें 4 लाख एक तो फॉर्म भी कम, ऊपर से वैकेंसी भी ज़्यादा, आपकी वैकेंसी भी बढ़ती है, तो उससे आपको साफ पता चलता है कि इस बार मेरिट कम होनी है, इस बार आपकी मेरिट बहुत कम जाएगी। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर फिजिकल एनालिसिस करेंगे आप, 2018 में आपके 62,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे और हम बता रहे हैं 2019 में आपके ये 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख से 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि कई बार, मतलब 2-3 स्टेप में मेरिट उन्होंने लगाई थी, जो कैंडिडेट मतलब फेल हो गए थे या रेस नहीं लग पाई थी या किसी भी फिजिकल मेजरमेंट में वो निकल गए थे, तो उसके बाद दूसरी मेरिट। इस बार क्या है, इनको ये अपनी एक मेरिट लगाएंगे और फाइनल मेरिट लगाएंगे और उसमें ज़्यादा कैंडिडेट बुलाएंगे, मतलब 1.25 लाख से 1.5 लाख कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं यहाँ पर पेपर एनालिसिस की। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2 पेपर हुए थे 2018 में, एक जून में हुआ था एक अक्टूबर में हुआ था, तो जून वाले में क्या हुआ था, बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा मिल गए थे और जो अक्टूबर में जो पेपर हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको नहीं मिले थे। और पहली बार जो जून वाला पेपर ईजी था और जो ये वाला क्वेश्चन था वो हार्ड था, क्योंकि इसमें 3 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था। अब बात आती है इसकी जनवरी की, देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की तो बात, ये तो मतलब क्वेश्चन मार्क हमने लगा रखा है, ये आपको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन तो आपको सभी को मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर भी हार्ड था, इसीलिए इसमें आपका मेरिट बहुत कम जाएगी। देखिए ये आगे आपकी फाइनल कट ऑफ जो हमने तैयार की है, जनरल कैटेगरी मतलब 200 प्लस माइनस 5 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, 205 या 195 नंबर तक आपकी जनरल कैटेगरी वालों की मेरिट रहेगी। और ओबीसी की बात आती है तो 190 या 185 मतलब प्लस माइनस 5 हमने लगा दिया, इतना मेरिट जा सकता है। और एससी कैटेगरी में बात आ जाती है तो आपकी 170 से प्लस 5 या माइनस 5 तक आपकी जा सकती है और एसटी कैटेगरी में 155 प्लस माइनस 5 तक जा सकती है। और जहाँ तक बात आती है एक्स सर्विसमैन वालों की, उनकी तो 120 प्लस माइनस 5 तक ही जाएगी, उनका तो एक रिजर्व कोटा होता है अलग से। और फीमेल की बात करते हैं तो इसमें 160 प्लस माइनस 5, ये कट ऑफ हमने ऐसे तैयार किया। अब कोई भी हमारा ये उठा के देख लिए, फिजिकल मेजरमेंट में बात आ जाती है, पिछली बार क्या हुआ था कि अभी आपने देखा हुआ है लड़कियों की इतनी कट ऑफ गिरी है, इतनी कट ऑफ गिरी है कि बहुत लड़कियां कम पड़ गई थी। अब कल ही एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि जो लड़कियां जो अनुपस्थित थी उसमें टीवी में, तो उनको दोबारा बुलाया गया वैकेंसी कम होने की वजह से। तो दोस्तों इस बार क्या है, ये मेरिट तो लगाएंगे कम, कैंडिडेट को बुलाएंगे ज़्यादा, क्योंकि उनको दोबारा मेरिट न लगानी पड़े, तो इसका पूरा प्रोसेस आपका हुआ। और बात आती है ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल जो इसकी आंसर की आएगी तो उसको जल्दी पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जल्दी से हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे। और ये कट ऑफ एकदम हम ऐसे सटीक बनाई है कि ऐसी कट ऑफ ही आएगी वहां से, आपको इसी कट ऑफ के आधार पर शायद हमारा विश्वास है वो हमने ये कट ऑफ ऐसी बनाई है कि इसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।